हाय मिस्टर राकेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम आलू की पूरी बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 से 3 कटोरी आटा ले रखा है, यह हमने हरी धनिया ले रखा है, यह दही ले रखा है, यह हमने लाल मिर्च ले रखा है, यह हमने नमक ले रखा है, यह हमने आलू ले रखा है। आलू हमारे बॉयल हैं, अब इसे हम मैश करेंगे। इस तरीके से आलू को मैश कर लें अच्छी तरह से। हमने देखो आलू अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसी तरीके से मैश करना, अब हम आलू आटे में डाल देंगे। ये हमने आटे में आलू डाल दिया। अब करीब छोटे चम्मच से हम 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें, नमक हम छोटे चम्मच से 1 चम्मच डाल रहे हैं नमक। बड़े चम्मच से 1 चम्मच हम हरी धनिया डाल रहे हैं। बड़े चम्मच से 1 चम्मच हम दही डाल रहे हैं। और फिर पानी डाल के हम इसे गूंथेंगे। मेरे दोस्तों हिसाब से पानी डालें जो गीला ना हो, और अच्छी तरह से इसे गूंथ लें। मेरे प्यारे दोस्तों देखना, हम आलू पूरी के लिए हमने गूंथा था आटा हमारा सेट हो गया है। एक साइड में हम तेल गरम कर रहे हैं, अब हम पूरी बेलेंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे लोई काट लें इस तरीके से। दोस्तों ये हमने छोटे छोटे लोई काट लिया पूरी के लिए, अब हम इसे बेलेंगे। अगर चिपकता देखें तो हम हल्का सा चकले पे तेल भी लगा सकते हैं, जिसे बेलने में आसानी होगी। देखना इसी तरीके से बेल लें, प्लेट में रख लें पूरी को। इस तरीके से हमने बेल के एक बर्तन में रख लिया प्लेट में। ऐसे सारी पूरी को बेल के रख लें। आलू पूरी बनाना मेरे दोस्तों बहुत ही आसान है। हमने पूरियों को बेल लिया, इसी तरीके से सारी पूरी को बेलें। अब हम इसे तलेंगे। ये अच्छे से हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पूरी डालेंगे। देखना इसी तरीके से सारी पूरी को निकाल लें। मेरे दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है हमारी आलू की पूरी। ये देखना तैयार हो गई है। इसी तरीके से आलू की पूरी बनाना है। हमारी आलू की पूरी तैयार हो गई है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी जरूर दबाइए और एक बार ज़रूर बना के देखें। बहुत ही सॉफ्ट पूरी होती है।